नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लखीमपुर स्टेशन पर सीआरएस इंस्पेक्शन के मद्देनजर काम जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है और अब रात दिन लखीमपुर स्टेशन पर कार्य जो है तेजी से पूरे किए जा रहे हैं, ताकि इस महीने यानी फरवरी के अंतिम सप्ताह तक अगर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी लखीमपुर तक, सीतापुर से लखीमपुर जो रेलखंड है उसका अमान परिवर्तन हो चुका है, बड़ी लाइन बिछ गई है, सिग्नल्स वगैरह जल रहे हैं, पॉइंट तैयार हैं, तो अगर सीआरएस साहब इंस्पेक्शन करें तो कोई कमी ना मिले। तो लखीमपुर से वीडियो भेजा है रेल फैन सिमरनजीत सिंह ने, तो चलिए डाल लेते हैं एक नजर आज के इस अपडेट पर जो भेजा है लखीमपुर से सिमरनजीत ने। तो लखीमपुर स्टेशन पर सीआरएस इंस्पेक्शन के मद्देनजर कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सीआरएस इंस्पेक्शन कराए जाने की उम्मीद है, देखिए सिग्नल जलने लगे हैं और काम अब बहुत तेजी से जो फिनिशिंग टचेस हैं वो दिए जा रहे हैं, सिग्नल पॉइंट्स सब तैयार हैं और देखिए लाल रंग का सिग्नल आपको जलते हुए दिख रहा होगा और ट्रैक्स वगैरह का काम सब कंप्लीट है, प्लेटफॉर्म्स को फिनिशिंग टच दिया जा रहा है, ट्रैक बिल्कुल कंप्लीट है, यहाँ तक ओके है और जल्दी ही कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इंस्पेक्शन करने आ सकते हैं। देखिए जितने भी बोर्ड्स वगैरह हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड, जो भी ट्रैक संबंधित कार्य हुए हैं वो भी सब देखिए पेंट हो गए, उनके ऊपर लिख दिया गया है, जो भी सूचनाएं होती हैं उस ट्रैक से जुड़ी हुई उस सेक्शन पर उस सारी इंफॉर्मेशन के बोर्ड्स भी चस्पा हो गए, लग गए पेंट से, उस पर लिख दिया गया है और प्लेटफॉर्म का देखिए जो रैंप है वो भी तैयार होने वाला है, ये देखिए कैची पॉइंट, तो कैची भी सब तैयार कर ली गई, पॉइंट्स सब रेडी हैं, ये देखिए फुट ओवरब्रिज टाइल्स बिछ गए हैं और बहुत तेजी के साथ इसका भी जो काम है वो पूरा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जब कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आए तो यहाँ पर कोई भी चीज़ उनको कमी जो है वो नज़र ना आए, यात्री सुविधाएं जितनी भी हैं जन सुविधाएं वो भी बहुत तेज़ी से लखीमपुर स्टेशन पर पूरी की जा रही हैं, क्योंकि बार बार मीडिया में भी आ रहा है ऑफिशियली, हालांकि अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है कि सीआरएस इंस्पेक्शन कब होगा सीतापुर से लखीमपुर तक का जो रेलखंड है इसका बरस्ता हर गांव, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतिम सप्ताह तक कमिश्नर रेलवे सेफ्टी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्य है कि चुनाव की घोषणा से पहले पहले लखीमपुर तक बड़ी लाइन की ट्रेन पहुँचा दी जाए, लखीमपुर वासियों को ये सौगात दे दी जाए ताकि चुनाव में कुछ राजनीतिक लाभ मिल सके बड़ी रेल लाइन आ जाने से, तो उसी के मद्देनज़र उसी के चलते तैयारियां जोरों पर और दिन रात काम हो रहा है, सारा गैंग यहां पर लगा हुआ है लेबर्स का, सारे अफसर यहां रात दिन मौजूद हैं और जल्द से जल्द काम को पूरा करने की कोशिश हो रही है लखीमपुर स्टेशन पर। सीढ़ी देखिए तैयार हो गई है, स्टेयर की सीढ़ियों पर भी टाइल्स वगैरह लग गए हैं, पेंट होना शुरू हो जाएगा, ऊपर छत लग गई है, शीट्स डाल दी गई हैं, ये ऊपर से नज़ारा फुट ओवरब्रिज से देखिए, और शेल्टर्स का काम भी बहुत तेज़ी से अब शुरू होने वाला है, क्योंकि उसका भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है देखिए लखीमपुर स्टेशन पर ढांचा वो पूरा तैयार है, बेसिक जो ढांचा होता है इसके ऊपर अब छत लगाई जानी बाकी है और सामने वो फ्लाईओवर आपको दिख रहा होगा दूसरे छोर पर, ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर एक का नज़ारा, वहाँ पर भी कुछ डालियाँ छटाई हो गई पेड़ की और उधर भी सब देखिए शेल्टर वगैरह का जो काम है स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, उस पर अब शेल्टर बहुत जल्दी लग जाएंगे, यहाँ पर भी देखिए रैंप वगैरह सब तैयार कर ली गई है, ऊपर शीट्स लग गई हैं और कंक्रीट देखिए नीचे प्लेटफॉर्म पर बिछाया जा रहा है, सीमेंट वगैरह बहुत तेज़ी से फ्लोरिंग का काम जो रह गया है उसको पूरा किया जा रहा है, ताकि चमचमाता हुआ लखीमपुर स्टेशन दिखाई पड़े कमिश्नर रेलवे सेफ्टी रेल संरक्षा आयुक्त जब आएँ अपने दौरे पर यहाँ, तो उनको सीतापुर से लखीमपुर स्टेशन तक सब चीज़ें दुरुस्त मिले, तो स्टेशन के ऊपर जितनी भी जन सुविधाओं का काम है ये देखिए यहाँ पर जीने को कंप्लीट किया जा रहा है, इस साइड भी तेज़ी से लेबर लगी हुई है और ट्रैक पर भी नीचे सब कुछ ओके करने की कोशिश, और उम्मीद है 24-25 तारीख तक बाकी के काम भी पूरे कर लिए जाएंगे, हालांकि काम अभी मुझे काफ़ी दिख रहा है पूरा होना, अब कैसे होगा ये तो पता नहीं, लेकिन रात दिन काम जो है वो गति बनाए अगर रखेंगे तो पूरा होने की पूरी संभावना है कि 24-25 तक काम पूरा हो जाए।
ये देखिए सिग्नल जल रहे हैं, रात का नज़ारा। लखीमपुर स्टेशन अब रात में कुछ इस तरह दिखता है, एलईडी लाइट्स जल रही हैं और चीज़ों को बहुत तेज़ी से दुरुस्त किया जा रहा है, रात दिन काम चल रहा है। तो ये था छोटा सा एक अपडेट लखीमपुर स्टेशन से, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।